तो इस वीडियो में मैं कोई हवाबाजी नहीं करूंगा, जो मैंने करके दिखाया है वही आप लोगों के आगे शेयर करूंगा। आप लोग इस अकाउंट को देख सकते हो, जो मेरा रियल सब्सक्राइबर है वो मेरी सारी वीडियोस देखता है, तो उसको इस अकाउंट के बारे में पता होगा। तो यहां पर मैं इस अकाउंट के अबाउट सेक्शन में जाता हूं, तो आप लोग देख सकते हो यहां पर दिसंबर 2022 में मैंने इस अकाउंट को बनाया। यहां पर आप लोग साफ देख सकते हो, और दिसंबर 2022 तो यहां पर लिख रखा है, बेसिकली पूरा प्रॉपर डेट नहीं बताता ये अकाउंट, ठीक है ना, मतलब इंस्टाग्राम। तो यहां पर भाई मुश्किल से भी एक हफ्ता हुआ है, और अगर इसके मैं आपको फॉलोअर्स दिखाऊं तो एक पर 1000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उससे ज्यादा ही हो चुके हैं। जब तक मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग जाके चेक करोगे तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और यहां पर काफी लोग सोचेंगे कि भाई तूने यार दोस्तों से करवा लिया होगा, या फिर भाई तूने यहां पर फेक एक्टिविटी कर ली होगी। तो यहां पर भाई मैं आपसे खुला चैलेंज दे रहा हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाओ इस अकाउंट पे और इसके व्यूज देखो भाई, 70,000, 1,00,000, 50,000, 40,000, ऐसे ऐसे व्यूज आ रहे हैं। केवल एक हफ्ते में मैंने इसको इतना ज्यादा ग्रो कर दिया है। और यहां पर भाई अगर मैं आपको इसके नोटिफिकेशन दिखा दूं तो आप नोटिफिकेशन भी भाई चेक कर सकते हो, इतनी ज्यादा नोटिफिकेशन आ रही है। और सारे रियल अकाउंट है, सबने स्टोरी वगैरह भी डाल रखी है। और यहां पर मैं लास्ट में गया तो आप लोग देख सकते हो, 6 मिनट की, केवल 6 मिनट की सारी नोटिफिकेशन है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 4 ट्रिक जिससे आप अपना भी इंस्टाग्राम ग्रो कर सकते हो बहुत तेजी से। और इस वीडियो को बनाने का ना मेरा बहुत पहले से मन था, बट मैंने सोचा भाई पहले प्रूफ देता हूं अपनी ऑडियंस को। मुझे लग रहा था कि भाई 1-2 महीने में दूंगा, बट यहां पर ये नहीं बताता कि भाई एक हफ्ते में इतना ग्रो हो जाएगा। तो पहले प्रूफ देता हूं, उसके बाद वीडियो बना दो ताकि मुझे भी बताने में मजा आए। पहली ट्रिक, आपको अपने अकाउंट पर केवल एक ही नीच पकड़नी है, यानी कि आपको केवल एक ही कंटेंट के बारे में बताना है। इस अकाउंट पर भी मैंने यही करा, जितनी भी वीडियोस डाली इंस्टाग्राम से रिलेटेड डाली। तो यहां पर भाई इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम समझ जाते हैं कि ये बंदा इस टाइप की वीडियोस डालता है, तो जैसी इसकी वीडियो आएगी हम यहां पर शेयर कर देंगे उन लोगों को जो इस चीज में इंटरेस्ट रखता है। और इस चीज की मदद से आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि भाई यहां पर जो इंसान होता है उसको पता होता है कि भाई ये बंदा ये कंटेंट डालता है। तो यहां पर मैं इसको फॉलो कर लेता हूं, क्योंकि इसकी रेगुलर वीडियोस आती रहती हैं, तो भाई मुझको देखने को मिल जाएगी। यहां पर मैं इंस्टाग्राम की टिप्स एंड ट्रिक्स डालता हूं, तो यहां पर भाई लोगों ने मुझे फॉलो क्यों करा, क्योंकि उनको पता है कि भाई हां यार इंस्टाग्राम की टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी है मुझे, तो मैं इसको फॉलो कर लेता हूं। मतलब अपने फॉलोअर्स को एक इंसान समझो। काफी लोग अपने फॉलोअर्स को केवल एक फॉलोअर्स ही समझते हैं, इंसान समझो कि भाई वो क्या चाहते हैं, आप किसको फॉलो क्यों करते हो। जाहिर सी बात है उसको इसलिए फॉलो करते हो कि इसके यहां पर आने वाले कंटेंट मुझको दिखाई दे। तो आप एक ही कंटेंट पकड़ोगे तो आपको ऑडियंस फॉलो करेगी, क्योंकि भाई मुझको इसके आगे की वीडियोस देखनी है। तो एक ही नीच पकड़ो, आपको आपके फॉलोवर्स ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ये गारंटी है। दूसरी ट्रिक, ये तो आपको पता ही होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा रील्स अपलोड करनी है, तभी आपके फॉलोवर्स इंक्रीज होंगे। क्योंकि जो पब्लिक है वो आपकी रील्स देख के आपको फॉलो करेगी, ना कि आपकी पोस्ट देख के। तो आपको रील्स ज्यादा डालनी है, यही मैंने किया। मैंने केवल रील्स डाली, कोई पोस्ट वगैरह नहीं डाली। और यहां पर मैंने हर एक रील्स पर एक ट्रिक खेली, आपको अपनी रील्स में बढ़िया सा कैप्शन लिखना है, क्योंकि यहां पर 90% चांस होते हैं अगर पब्लिक आपके कैप्शन पढ़ के आपकी प्रोफाइल में जाती है, तो यहां पर भाई 40% चांसेस है कि पब्लिक आपको फॉलो करेगी। तो यहां पर किसी तरह आपको पब्लिक को अपनी प्रोफाइल में भेजना है। और मैंने सारी रील्स में केवल एक ही कैप्शन लिखा, फॉलो फॉर मोर टिप्स @ अपना अकाउंट लगा दिया। तो इससे क्या होता है, पब्लिक की नजर कैप्शन में पड़ती है, तो उसको लगा कि हाँ भाई इससे रिलेटेड ये बंदा और रील्स डालता है, तो मेरे यहां पर पेज पर गई, उसको और ट्रिक्स मिली, तो उसने मुझे फॉलो कर लिया। तो आपको कैप्शन में जरूर लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हो, लाइक मतलब कुछ भी ऐसी ट्रिक खेलो कि भाई पब्लिक आपकी प्रोफाइल पे जाए और आपको फॉलो कर ले। तीसरी ट्रिक, ये कोई ट्रिक नहीं है, यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको अपने नए अकाउंट पर ये कभी भी चीज नहीं करनी है, जो कि मैंने भी करी और मेरे उस रील्स पर व्यूज नहीं आए। आप लोग देख सकते हो मेरे सारे यहां पर रील्स पर व्यूज आ रहे हैं, बस एक रील्स पर व्यूज नहीं आए। इस पर मैंने बाहर से थंबनेल ऐड किया था, यहां पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो मैंने बाहर से थंबनेल ऐड किया, और पता नहीं क्यों भाई इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिथम है वो इस रील्स को यहां पर पकड़ नहीं पाए, और यहां पर इस पे बहुत ही ज्यादा कम व्यूज है। बेसिकली मतलब इंस्टाग्राम ने इस रील्स को रिकमेंड नहीं करा, और मेरी सारी रील्स पर व्यूज है, वो मैंने केवल जो रील्स का थंबनेल है वही यहां पर ऐड करा, मैंने बाहर से कोई थंबनेल ऐड नहीं करा। तो आपको कभी बाहर से थंबनेल ऐड नहीं करना है। और 2-3 चीजें मैंने और ऑब्जर्व करी है कि इस अकाउंट पर, न्यू अकाउंट पर, ये क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस पर डेडिकेट वीडियो चाहते हो कि भाई हमको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो नीचे कॉमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो गलतियां मैंने करी और मेरी रील्स पर व्यूज नहीं आए, तो मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है। अगर आप चाहते हो तो मैं डेडिकेट वीडियो बना दूंगा। अब बात है फाइनल ट्रिक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4th ट्रिक। यहां पर मैं आपको एक सेटिंग बताने वाला हूं। बेसिकली आपको अपना इंस्टाग्राम लैपटॉप में या कंप्यूटर में ओपन करना है, ठीक है ना। अब जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहां पर आपको 3 डॉट पर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर सेटिंग में चले जाना, तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिमिलर अकाउंट का। तो यहां पर इंस्टाग्राम ने साफ साफ लिख रखा है रिकमेंड करके, तो मतलब आपकी जो प्रोफाइल होगी वो ज्यादा रिकमेंड होगी, इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिथम है वो सही से डिक्रेट कर, मतलब सॉरी
डिटेक्ट कर पाएंगे कि आपकी प्रोफाइल किस चीज की है और हम इसको रिकमेंड करते हैं। तो आप इसको टिक करके इसको मतलब डन कर देना, आपकी जो प्रोफाइल है अब से ज्यादा रिकमेंड होगी। कहने का मतलब है कि जैसे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस वगैरह डाल रहा हूं, तो यहां पर भाई इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो मेरी वीडियोस उन लोगों को भेज देंगे जो टिप्स एंड ट्रिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, और अगर मेरी रील्स उनके पास जाएगी तो जाहिर सी बात है वो मुझको फॉलो भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कॉमेंट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, मतलब इंस्टाग्राम वाला सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो यहां पर भाई आपको ये सेटिंग कर लेनी है और ये ट्रिक अप्लाई करनी है अपने न्यू अकाउंट पे, गारंटी बात है आपका जो अकाउंट है वो यूं करके बूस्ट हो जाएगा। बट ये सारी ट्रिक फेल हो जाएंगी अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है। तो सबसे ज्यादा फोकस करा मैंने अपने कंटेंट पे, क्योंकि अगर आपके कंटेंट बिल्कुल बेस्ट है तो भाई आप कुछ करो ना करो पब्लिक आपको फॉलो करेगी करेगी आपका कंटेंट देख के। तो कंटेंट पे ज्यादा फोकस करो, उसके बाद ही सारी ट्रिक अप्लाई करो, आपके फॉलोवर्स यहां से सीधा वहां पर। ठीक है, तो ऐसी और अमेजिंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना। और हाँ, अगर मान लो उस पर वीडियो चाहिए कि न्यू अकाउंट पे क्या गलतियां नहीं करनी है जो मैंने ऑब्जर्व करी है, तो नीचे कमेंट भर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसे बना दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया होगा, मैंने कोई उठपटांग बात नहीं करी, बिल्कुल सिंपल सोवर बात करी, ये भी नहीं करा कि भाई ये कर लो वो कर लो, रियल ट्रिक। ठीक है ना, तो बस यार आज की वीडियो में तो नहीं, मिलता है अगली वीडियो में, इसी के साथ हमारे प्यार के और फिर मिलेंगे चलते चलते।